अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज प्री नाइन्थ क्लास के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगा वो है मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, एक मॉलिक्यूल जो है वो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो हैं उनसे मिलकर मॉलिक्यूल बनता है। तो हमारे पास आप यूँ कह लें कि एटम प्लस एटम दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल। अब केमिस्ट्री के अंदर फ़र्ज़ करें, मैं आपसे कहता हूँ कि जब मैंने ये लिखा तो ये हाइड्रोजन है मेरे पास, उसका वन एटम है। ये नेक्स्ट एटम जब मैंने हाइड्रोजन का इसमें ऐडअप किया, इसके साथ मिलाऊंगा, ये दोनों मिलके कंबाइन होकर ये देखें, अब हम इनको H2 लिखेंगे। तो इस फॉर्म के अंदर जो मैंने अब हाइड्रोजन लिखी है तो मैं इसको बोलूँगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास हमें मिल जाएगा। कुछ एटम्स जो हैं वो आपको इस तरह लिखे हुए मिलते हैं। अब ये एक एटम है, ठीक है, तो लेकिन जब हम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब मैं आपसे क्या इसमें बताऊंगा कि ये टू एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और वन एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। इस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर जो हैं वो वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये इंडिपेंडेंटली जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपको मॉलिक्यूल की टाइप्स जो हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो देखें ज़रा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट टाइप जो है वो मॉलिक्यूल की, उसमें देखें, नंबर वन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये देखें कि इसके अंदर ये इसका की पॉइंट मौजूद है। अब मोनो के मानी होते हैं वन, अगर आपको मोनो के मीनिंग आते हैं तो आप इसको इजीली जो है वो डिस्क्राइब कर लेंगे। मोनो मीन्स वन, इसके मीनिंग ये है कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ एटम जो है वो, वन एटम जो है वो मौजूद होता है। तो इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर हम हेलो है, ये जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं उनको हम इसमें शामिल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है। इनकी रीज़न ये है कि नोबल गैसेज जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव होती हैं, तो वो किसी दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स नहीं बना रही होती, तो यही इनका जो है वन एटम जो है वही मॉलिक्यूल कहलाएगा। इस बुनियाद पर हम इनको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड देखें, डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पर आपको डाई के मीनिंग आने चाहिए, तो डाई कहते हैं टू को। तो व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टूगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सपोज मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूँ O2, इसके मीनिंग ये है कि ये ऑक्सीजन के टू एटम्स मिलकर ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिली है, यहाँ पर बनी है। इनके साथ ये देखें मैंने लिखा HCl। अब ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है इसके अंदर ये देखें वन एटम जो है वो हाइड्रोजन का है और सेकेंड जो है वो क्लोरीन का है, तो इस तरीके से ये भी एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। नंबर थ्री, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब ये किस किस्म के मॉलिक्यूल होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर थ्री एटम्स जो हैं वो मौजूद हों, क्योंकि यहाँ पर ट्राई के मीनिंग जो है, इसका की पॉइंट जो है वो ट्राई है और ट्राई के मानी मीनिंग्स जो हैं वो थ्री होता है। तो थ्री एटम्स से मिलकर इनकी एग्जांपल आपने ज़रूर लिखनी है डेफिनेशन के साथ साथ। अब ये देखें, ये मैंने लिखा H2O, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये टू एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और जिसके साथ कोई एटम ना लिखा जाए वो वन कहलाता है, तो वन जो है वो ऑक्सीजन है। इन द सेम वे ये देखें मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कार्बन का वन एटम है तो टू एटम्स यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, ये भी थ्री हो गए। तो ये टू एग्जांपल्स जो हैं वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की होंगी। नंबर फोर पे देखें,
पॉलीएटॉमिक। अब हम इसको यूं कंटिन्यू नहीं करेंगे जैसे मैंने लिखा कि जी मोनो वन को, तो डाई टू को, तो ट्राई थ्री को, तो अब मैं लिखता टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से नहीं होगा। थ्री के बाद जो हमने लिख दिया पॉलीएटॉमिक, दैट मीन्स अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स मोर देन थ्री एटम्स, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन सब को हम पॉलीएटॉमिक कह देंगे, और पॉली के मीनिंग होते हैं यहाँ पर मैनी, तो पॉली मीन्स मैनी। तो यहाँ पर हम इसमें देखें, फर्ज करें मैंने लिखा H2SO4। अब इसमें देखें थ्री एलिमेंट हैं इसके अंदर, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर हाइड्रोजन के टू हैं, सल्फर का वन है, और ऑक्सीजन के फोर हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ओवरऑल इसके अंदर सेवन एटम्स मौजूद हैं, नो, वी विल कॉल इट एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह ये देखें मीथेन है CH4, ये मोर देन थ्री हैं, तो मैंने इसको किस में कैटेगराइज किया, पॉलीएटॉमिक में। इन द सेम वे ग्लूकोज बड़ी फेमस एग्जाम्पल है, C6H12O6, ये आपके पास आ गई, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप इसमें देखेंगे होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये सेम टाइप ऑफ एटम्स के साथ जो हैं वो मिलके बनेंगे। इसकी एग्जांपल देखें, O2 लिख लूँ मैं, O3 लिख दूँ यहाँ पर, या S8 लिख दूँ, P4 लिख दूँ। देखें मैंने एलिमेंट को चेंज नहीं किया, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो उसके टू हैं, ऑक्सीजन के थ्री एटम्स हैं, सल्फर के जो हैं वो एट एटम्स हैं, फास्फोरस के फोर हैं, तो इट मींस कि एक ही एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर मिल के जो हैं उस मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो होमो के मीनिंग जो है वो सेम के होते हैं, तो ये कहलाएंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपको केमिस्ट्री के अंदर जहाँ कहीं भी सेम एटम्स जो हों एक ही एलिमेंट के साथ वो आपको मिलेंगे, तो ये कहलाएंगे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब लास्ट है इसके अंदर नंबर सिक्स, और वो है हेटरोएटॉमिक। अब हेटरो के मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंट के, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि सपोज मैंने आपके सामने जैसे ये वाटर लिखा है, ये वाटर H2O, अब ये इसको आपने ट्राई एटॉमिक के अंदर भी पढ़ा था देखें, लेकिन ये हेट्रो भी है, मींस के एक हाइड्रोजन के एटम है इसमें टू, और लेकिन नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन ही नहीं है बल्कि वो ऑक्सीजन है, तो ये डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से वो तमाम मॉलिक्यूल्स के जिनके अंदर एलिमेंट्स जो होंगे उनके एटम्स जो होंगे वो सेम नहीं होंगे बल्कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिल के बनेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि आपने इसका नोट कैसे लिखना है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है। सबसे पहले मॉलिक्यूल की आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर वन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, आप उसको डिफाइन करेंगे और एग्जांपल्स लिखेंगे। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल डेफिनेशन एग्जांपल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बट यू मस्ट गिव द एग्जांपल्स ऑफ एवरी वन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है, एग्जांपल ज़रूर इसमें पुट करिएगा। थैंक यू।